जबलपुर की टीम ने बिहार से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन दोनों आरोपियों ने आरपीएफ में आरक्षक के पद पर 19,800 पदों पर भर्ती निकालने का फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया था। आरोपियों के द्वारा भ्रम फैलाकर परीक्षार्थियों को गुमराह किया जाता था। जबलपुर आरपीएफ ने बिहार में छापामारी कार्रवाई की। जब टीम आरोपियों के घर पहुंची तब आरोपी के कमरे पर मोबाइल और लैपटॉप में काम करते हुए मिले। पुलिस ने 21 वर्षीय कुंदन कुमार और 22 वर्षीय सोनू कुमार को बिहार के गया जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा फर्जी विज्ञापन लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को इस तरह डिजाइन किया था, जब भी कोई जिज्ञासु छात्र इनको खोलकर देखता था तब आरोपियों के वेबसाइट के व्यूअर बढ़ते थे और उसके बदले में उनको वेबसाइट से डॉलर मिलते थे। आरोपियों ने बताया इस तरह के फर्जी विज्ञापन से व्यूअर ज्यादा देर तक वेबसाइट पर रुकते हैं, जिससे उनको अधिक डॉलर में पैसे मिलते हैं। आरोपियों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वेबसाइट के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल न्यू भर्ती 2023 का फर्जी विज्ञापन पोस्ट किया था। प्रमोटर और एडमिन की जानकारी तकनीकी माध्यमों से एकत्र कर वेबसाइट के माध्यम से अपने व्यूअर को बढ़ाकर अमेरिकन डॉलर में पैसे कमाते थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।